तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में। जी हाँ, ये जॉब जो है वो जियो कंपनी, जियो रिलायंस कंपनी की तरफ से होने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। और अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, क्या सैलरी रहेगी और इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली हैं और इसको कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलायंस जियो हायरिंग। रिलायंस जियो इज हायरिंग फॉर कस्टमर सर्विस ब्लेंडेड प्रोसेस। दोस्तों ये है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि रिलायंस जियो जो है वो ये जो जॉब है ना वो रिलायंस जियो की तरफ से होने वाली है और जियो कंपनी की तरफ से होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, आपको इसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जॉब डिटेल के बारे में, जॉब के लिए तो यहाँ पर देखो ये 50 वैकेंसी रहने वाली है। और अगर हम इसकी मंथली सैलरी की बात करें तो ये 20 से 25 हज़ार महीने का होने वाला है। और अगर बात करें इसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो न्यू दिल्ली में है। और जो ये आपका काम है, ये रिमोट के थ्रू वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, तो ये काम है आपका। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर और जैसे नीचे आएंगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट हैव ये की स्किल, मतलब आपके पास इस जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ब्लेंडेड प्रोसेस, कस्टमर सर्विस, चैट प्रोसेस, एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस, उसके बाद ईमेल भी आपको भेजना आना चाहिए और टाइपिंग भी आना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें आपको आती हैं तो आपको एक इस जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करना है। और रही बात इसमें कि देखो कस्टमर सर्विस, इसमें काम क्या रहेगा कि देखो आपने जैसे आप तो आपको पता ही है कि आप जो जियो जो है ना वो एक टेलीकॉलर कंपनी है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं, जब आपका बैलेंस समाप्त हो जाता है तो कुछ दिन बाद आपके पास एक कॉल आता है कि आप इस नंबर पर रिचार्ज करवा लीजिए। तो ऐसे आपको भी कॉल करना है लोगों के पास और उनको बोलना कि आप रिचार्ज करवा लीजिए। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको अगर कोई समस्या होती है तो कस्टमर केयर में फ़ोन लगाते हैं, तो जो कस्टमर केयर वाले रहते हैं ना वो आप उनका क्या करते हैं कि SMS के थ्रू उनका रिप्लाई करते हैं और प्लस कॉल अटेंड करके उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये काम भी आपको वहाँ पर करना पड़ेगा और आपको लोगों को जो भी उनकी प्रॉब्लम होंगी उनको सोल्यूशन बताना पड़ेगा कॉल के थ्रू या फिर SMS के थ्रू। तो ये आपका काम रहने वाला है। बेसिकली एक टाइप से ये वर्क फ्रॉम होम तो रहेगा ही, और आपका कॉल जो है वो BPO, जैसे BPO मतलब कॉल के थ्रू आपको लोगों से बात करना पड़ेगा और उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये जो सोल्यूशन वो जियो कंपनी से ही रिलेटेड रहेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कोई ऐसा क्वेश्चन या फिर ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं पता जो कस्टमर जो है तो वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो आपको अपने कॉल को सीधा अपने जो टीम मैनेजर है उसको ट्रांसफ़र करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से इसमें काम करना है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे, तो देखो यहाँ पर अबाउट कंपनी लिखा हुआ है। अबाउट जैसे कंपनी लिखा हुआ है ना, अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये कंपनी के बारे में क्या बता रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं। ये जो जॉब है ना वो जियो कंपनी की तरफ से होने वाली है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जियो इज अ यंग एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो जियो कंपनी की तरफ से होने वाली है। उसके बाद अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें कि इस जॉब को करने के लिए आपके पास क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, जॉब ट्रेनिंग मिलेगी आपको, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, और प्लस यहाँ पर आपका ये वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। तो ये सबसे बड़ा आपका बेनिफिट है कि आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपल से अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। और अप्लाई बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद इस टाइप से एक नया इंटरफेस खुलेगा, इस टाइप से एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, साइन इन विथ गूगल। तो यहाँ पर आपको इसमें क्लिक कर देना, साइन इन विथ गूगल में। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आपके मोबाइल में जितनी भी आपकी मेल आईडी होंगी वो सारी खुल के आ जाएंगे। आपको यहाँ पर जिसमें मेल आईडी से इसको लॉगिन करना है उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम फिर से लेगा, उसके बाद एक नया पेज इस टाइप से खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इस टाइप से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद इस बॉक्स में टिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस टाइप से एक नया पेज खुल के आएगा। इस टाइप से एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको OTP डालना रहेगा। तो OTP यहाँ पर हम डाल देते हैं यहाँ पर
इस टाइप से आपको ओटीपी डाल देना है। उसके बाद इस टाइप से एक पेज खुलेगा, इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर इस टाइप से एक नया पेज खुलेगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिग्री करेंट परसुइंग, तो ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर जो भी है आपके पास टेंथ है, ट्वेल्थ है, टेंथ से नीचे है या फिर ट्वेल्थ से नीचे है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से ट्वेल्थ में सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। देखो इस टाइप से हमें कर लेना है, तो CBSES। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है लैंग्वेज मीडियम, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेंगे इंग्लिश। उसके बाद इंग्लिश के बाद पासिंग ईयर क्या है आपका, तो 2022 है। उसके बाद परसेंटेज कितना बना है आपका, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास इस टाइप से एक फिर से नया पेज खुलेगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, की स्किल, तो की स्किल करने के लिए आपके पास जितने भी 5 स्किल हैं सबको इसमें टिक कर देना है। तो टिक करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप कितनी सैलरी चाहते हैं पर ईयर की, तो यहाँ पर आपको अपनी सैलरी निर्धारण कर देना है कितनी सैलरी आपको चाहिए। तो यहाँ पर हम डाल देंगे एक साल का मतलब 3,00,000 रुपये, ये हम डाल देते हैं। तो सैलरी डालने के बाद फिर यहाँ पर क्या डालना है, वर्क लोकेशन डालना है कि आप कौन सी जगह पर, मतलब अगर जैसे वर्क फ्रॉम होम तो आपकी जॉब रहने वाली है, अगर आपको ऑफिस के लिए जाना हुआ तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेंगलुरु है, देखो यहाँ पर बेंगलुरु है, मुंबई है, पुणे है, चेन्नई है, हैदराबाद है, गुरुग्राम है, नोएडा है, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है रिमोट, मतलब वर्क फ्रॉम होम, तो हम वर्क फ्रॉम होम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद डन पर क्लिक कर देंगे। डन पर क्लिक करते ही हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, राइट योर वन लाइन इंट्रोडक्शन, मतलब आप एक अपना नाम या फिर अपना एक लाइन में आप शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई एम, अपना नाम डाल देना है, इस टाइप से आपको इसमें अपना नाम डाल देना है। उसके बाद इस बॉक्स को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक कर देंगे ना, तो यहाँ पर आपको अपना एक रिज्यूम जो है, आपने रिज्यूम बनाया होगा या नहीं बनाया, तो आप अपना एक छोटा सा CV बना लेंगे। उसके बाद जो ये ऑप्शन है ना, ये मोबाइल वाला, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ना, तो देखो मीडिया पिकर पर जाना है। यहाँ से आप जहाँ पर भी आपने CV रखा होगा वहाँ ये आपका मोबाइल पहुँचा देगा आपकी स्टोरेज में। तो वहाँ से जाकर आपको CV सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप CV सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे आप CV सेलेक्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर जाएंगे। फ़ोटो पर जाने के बाद यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे, तो आपको अपना इस टाइप से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर देना है। तो सेव कर देंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद जो आपकी जॉब है ना, वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। तो दोस्तों जैसे आप फ़ोटो अपलोड करेंगे ना, वैसे आपकी जॉब ऑटोमेटिक अप्लाइड हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसके कोने में लिखा हुआ है अप्लाई, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई, तो आप इस टाइप से इसमें देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ना, तो ये जॉब को अप्लाई करना बहुत ही सिंपल और आसान है, आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अप्लाई करने में कोई भी समस्या हो या कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक लिए बाय।